Hey guys, welcome back to my channel. So guys, आज का जो ये वीडियो है ना ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपके लिए ना ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होगा, ठीक है? क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि यदि आप किसी वेबसाइट से किसी चीज़ को परचेस करते हो तो आप उस पर किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने एक मोबाइल की कवर ऑर्डर किया था, ठीक है, जो कि था वेबसाइट दैट इज जापवी। आप लोग भी सुन रहे होंगे, अभी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, फेमस हो रहा है कि ये जो जापवी वेबसाइट है इसके इस पर क्या होता है कि 99 रुपीज में कवर मिल जाता है। उसके साथ आप यदि चाहें तो आप कस्टमाइज कवर भी बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ में कुछ उसके मोबाइल में और भी जो सारे एक्सेसरीज वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, मैंने कुछ ही दिन पहले क्या किया था कि मैंने 5 केसेस ऑर्डर किए थे, ठीक है। तो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी किस तरीके के वो केसेस हैं, ठीक है। अब बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस है कि ये फेक है या फिर रियल है या फिर जो भी, तो मैं गाइस आपको बता देती हूँ ये रियल है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने प्रोडक्ट को रिसीव किया है, ठीक है। अब मैं आपको इतना बता देती हूँ इसमें कुछ आपको प्रॉब्लम्स बहुत झेलने पड़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए आप उन चीज़ों से बहुत ही अवेयर रहिएगा। मैंने इस चीज़ को झेला इसलिए मैं आपको बताने वाली हूँ आज का, आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। तो गाइस क्या हुआ कि मैंने 14th of November को ऑर्डर किया था ये जो भी प्रोडक्ट था, मैंने 5 ईयर ये जो भी मोबाइल के केसेस हैं उसको ऑर्डर किया था, ठीक है। और उस 5 केसेस को ऑर्डर करने के बाद में गाइस मेरा एक्सपेक्टेड डिलीवरी था कि 24th of November तक मुझे रिसीव हो जाएगा, बट गाइस क्या हुआ कि ये मेरे डेस्टिनेशन से कुछ दूर तक में रिसीव हुआ। उसके बाद में आप बहुत ही अच्छे तरीके से देख पाओगे कि आप जब जापवी के वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको ट्रैकिंग वगैरह के लिए आएगा, ठीक है। आपके ऑर्डर आईडी वगैरह रहेंगे, आप वहाँ से ऑलरेडी मतलब आप ट्रैक कर सकते हो। मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली एक स्क्रीनशॉट पूरा डाल दूंगी, ठीक है, वहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है, कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पर है, कहाँ पर शिपिंग हो रहा है, क्या चीज़ें, हर चीज़ देख सकते हो, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर जल्दी कस्टमर केयर से डील नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपके पहली बार तो हेल्प सेंटर में आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड किया गया है ना, जिससे कि वो हेल्प डेस्क है जापवी का, जो भी आप मैसेज करोगे वो वहाँ से वो रिप्लाई करते हैं, ठीक। लेकिन आप यदि अभी मैसेज कर दो देन वो रिप्लाई करेंगे कल सुबह या फिर 11-12 कुछ इस तरीके से टाइम पे वो रिप्लाई करेंगे आपको, ठीक है, आप श्योरली रिप्लाई करते हैं। बट आपको बता देती हूँ, जब ये चीज़ जो भी प्रोडक्ट है ये जब कुरियर वाले के हाथ में आती है ना, तो गाइस आप फंस सकते हो इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को डील करना है, क्योंकि देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा या फिर जितने भी बड़े जो भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले इस टाइम पे ऐप्स चल रहे हैं, ठीक है, उन सब पे वो जितने भी होते हैं वो जेन्युइन होते हैं, लेकिन कुछ वेबसाइट्स के ऊपर आपको भरोसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको बताती हूँ मैंने इस चीज़ को रिसीव करने में क्या क्या परेशानी झेली हुई है। सो गाइस मैं बता देती हूँ, पहली बात तो मेरा जो प्रोडक्ट था वो मेरे डेस्टिनेशन पे आ चुका था 24th of November, 4th of November को मेरा वहाँ पे डेस्टिनेशन पे आ चुका था, बट फिर भी मेरे लोकेशन पे वो आज 9th of December हो चुका था, फिर भी मेरे को रिसीव नहीं हो रहा था। सो गाइस मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उससे रिलेटेड बहुत बार, तो मैंने जिस कुरियर को उसने हैंडल किया था, हैंड ओवर किया था, मैंने उसको भी बहुत बार कॉल किया। एक्सप्रेस 20 एक नंबर का मुझे घटिया लगता है, पर मैं बोलना नहीं चाहूँगी कुछ भी, ठीक है। ये एक ऐसा कुरियर है जिसको मैं आप कितना भी कस्टमर केयर में मतलब कॉल करते रह जाओगे जल्दी इस पर कुछ नहीं लगता है, ठीक है। आप बहुत बार कोशिश करोगे कि आप ट्रैक कर पाओ, क्या पता वहाँ पे कस्टमर से डील करने के बाद में एक होता है ना कि एग्जीक्यूटिव से बात करने के बाद में आपको पता चल जाता है कि हाँ अब आप इस प्रोडक्ट को जल्दी मतलब आपके पास में आ सकता है, ठीक है। मैंने बहुत बार एक्सप्रेस 20 को भी कॉल किया, कोई रिसीव नहीं हो रहा था। बस एक बार रिसीव हुआ तो उसने कुछ मेरे कंप्लेंट को लिया एंड उसके बाद में कुछ रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद में गाइस मैंने क्या किया कि कुरियर हब जो हमारे नियर बाई में है उनके तक भी मैं पहुंची, ठीक है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मैंने उनके भी कॉन्टैक्ट को पाया, उसके बाद में मैं उनको कॉल करना स्टार्ट की, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको आज प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद में मैंने थोड़ा सा संतुष्टि दिखाई, मैंने बोला कि चलो ठीक है आज डिलीवर हो जाएगा तब तो ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ गाइस कि मैं सुबह से वेट करती रही शाम तक 5 बजे तक में, और उसके बाद में मुझे मेरा प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। और उसके बाद में जब मैं बात करना स्टार्ट की, मतलब मैं कई बार फ़ोन की कि आप मतलब उठा ले, लेकिन फिर भी एक बंदा मतलब उठा ही नहीं रहे थे वो फोन, ठीक है। उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे जो नियर बाई कुरियर हब है ना मैं वहाँ पे जाऊँगी सीधे, ठीक है। जब मैं वहाँ पे गई तो एग्जैक्टली क्या हुआ, जब मैं उस बंदे को फ़ोन की तो वो जस्ट सामने मेरे पास मतलब सामने ही बैठा हुआ था, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि हाँ मैं वही हूँ जो आपको कई बार कॉल किया, ठीक है, आप रिसीव नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद में उसने क्या किया कि वो तुरंत नियरेस्ट हब पे उसने मंगवाया मेरे पार्सल को, जो कि डेस्टिनेशन पे था वहाँ पे लोग एक्टिव नहीं हो रहे थे पहुँचाने के लिए, ठीक। सो गाइस उसने क्या किया कि उसने वहाँ से फिर उसके बाद में मंगवाया यहाँ पे जो नियरेस्ट हब है, ठीक है, वहाँ से आने के बाद में मुझे मेरा कुरियर रिसीव हुआ। और एग्जैक्टली आप समझ सकते हो 24th of November एंड देन 9th of December, ठीक है, कितना ज़्यादा लेट है, ठीक है। मैं तो सोची कि एक्चुअली वो भी क्या है कि वेबसाइट पर जब आप पेमेंट करते हो ना तो वो वहाँ पर वो
सीओडी नाम का कोई चीज़ नहीं है जाफरी पर, ठीक है। तो आपको क्योंकि वो एक्चुअली उनका भी अपना एक इशू है कि आप यदि कोई भी कस्टमाइज प्रोडक्ट लेते हो जिसपे आपने अपना ऑलरेडी फोटो वगैरह छपवा दिया एंड देन, तो उसके बाद से तो वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ आपका ही, उसके बाद में तो कोई उनके काम करा ही नहीं जाता, इसलिए वो सीओडी वहाँ पे अप्लाई नहीं किए हुए, ठीक है। तो मेनली आपके प्रोडक्ट जो होते हैं वो डिलीवर तो हो जाते हैं, लेकिन बहुत ही मे भी हो सकता है यदि कोरियर यदि हैंडल वाली बात आ गई ना तो वो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी दे सकता है। बहुत ही ज़्यादा उसके बाद में मैंने अपने प्रोडक्ट को रिसीव किया एंड देन नाउ आई एम हैविंग ऑल द प्रोडक्ट्स विच आई हैव टेकन फ्रॉम द जाफरी, ठीक है। मैं जितने भी जाफरी बस से जो भी प्रोडक्ट मंगाए थे वो मुझे अभी रिसीव हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने 5 केसेस ऑर्डर किए थे और आप देख सकते हो, ठीक है। और ये सारे ही जो भी केसेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, हार्ड एंड स्टर्डी है, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपका मोबाइल, जो एग्जैक्टली काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। सो गाइस, आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही रिस्क उठाने से पहले आप रिस्क को पहचान लीजिए कि हाँ भाई आप किस तरीके का रिस्क ले, तो तभी आप उस चीज़ों को फेस कर पाओगे, ठीक है। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। यदि आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और इस वीडियो को शेयर भी करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, ठीक है। वो लोग भी जाने, ठीक है, कि किस तरीके के प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। खास कर यदि ये कुरियर है ना एक्सप्रेसवीज, आपका इसका जो कस्टमर केयर का हेल्पलाइन नंबर है ना वो जल्दी लगेगा ही नहीं, ठीक है। आपका जल्दी एग्जीक्यूटिव से बात हो ही नहीं पाएगा, ठीक। आप बस एक्चुअली क्या है ना उसमें क्या है, यदि आप यदि कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर पे फोन करोगे ना तो वो दो ऑप्शन देगा, एक तो बोलेगा ट्रैकिंग आईडी डालो और दूसरा भी डालेगा कि आप अपना रजिस्टर्ड फोन नंबर डालो, ठीक है। उसके बाद में वो कहेगा सॉरी आई एम नॉट गेटिंग एनी इनपुट, ठीक है। आप कितना भी डालोगे उसमें यही बोलेगा सॉरी आई एम नॉट गेटिंग एनी इनपुट, और उसके बाद में जिसको भाई बनना है वो दफड़ वाला वो बन लो, ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली उस टाइप की हूं, मैंने बहुत कोशिश करने के बाद में अपना प्रोडक्ट रिसीव किया है, यही है। और इसके बाद मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना जरूर से, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो को बॉडी से शेयर भी करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।